Hello students, in the last video we have studied about the active and passive elements like resistor, inductor, capacitor, voltage source and current source. Okay, in today's video we will start with the most important topic of network theory, which will be useful in other subject as well, that is Kirchhoff's law, that is KCL and KVL. Okay, so first we will start with the KVL. Kirchhoff's voltage law. Okay, so KVL states that algebraic sum of voltages in a closed loop is always zero. KVL क्या state करता है आपका कि algebraic sum of total voltages in a closed loop is always zero. Okay, अगर हम एक example consider करें यहाँ पर, suppose करो, this is my voltage source VS. Okay, there are three resistors R1, R2 and R3. Now, we want to apply KVL in this loop. Okay, suppose across R1 voltage is V1, across R2 voltage is V2 and across R3 voltage is V3. Okay, now, if we want to apply the KVL, then we have two options. We can move in a clockwise direction or we can move in an anti-clockwise direction. Both procedure is same. Answer will remain same. Okay. Suppose agar hum log clockwise move karte hain, to hum log ko karna kya hai? Ki jahan jahan voltage lena chahte ho, to voltage ka aapko first sign consider karna hai. To VS ka jo first sign hai clockwise mein, wo kitna hai aapka? Minus. ओके तो माइनस वीएस, देन अगेन V1 का फर्स्ट साइन क्या है आपका? प्लस, सो प्लस V1. V2 का फर्स्ट साइन क्या है आपका? अगेन प्लस, सो प्लस V2. एंड V3 का प्लस साइन क्या है आपका? अगेन प्लस, सो प्लस V3 इज इक्वल टू 0. ओके, तो अगर मैं इक्वेट करने की कोशिश करूं तो VS इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3. ओके, सो ये क्या स्टेट कर रहा है आपका? जो टोटल सप्लाइड वोल्टेज था VS, वो V1, V2 एंड V3 में क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूट हो गया. ओके, हम लोग जानते हैं वोल्टेज या EMF क्या होता है? DW अपॉन DQ. तो यहां DWS हम लोग ले लेते हैं. ओके, वेयर WS क्या है आपकी? एनर्जी है. Q क्या है आपका? चार्ज है. तो वोल्टेज की डेफिनेशन हम लोग ऑलरेडी जानते हैं. To move the charge from one place to another place, work is required. That is called EMF or voltage difference. Okay. So DWS upon DQ, DW1 upon DQ plus DW2 upon DQ plus DW3 upon DQ. Okay. So hum logon ne kya kiya? Har ek voltage ko energy upon charge ke form mein represent kar diya. ओके, नाउ यहां पर आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आपका? कि देखिए यहां पर क्यू आपका सेम रखा है मैंने क्यू को क्यूएस, क्यू1, क्यू2, क्यू3 नहीं रखा. क्यों? क्योंकि चार्ज यहां पर क्या होगा? एक लूप में सेम होगा. ठीक है ना, सारे एलिमेंट आपके क्या है? सीरीज में है. चार्ज आपका क्या होगा यहां पर? एक लूप में बिल्कुल सेम होगा. ओके, सो अगर मैं इस इक्वेशन को अब सॉल्व करूं तो आप क्लियरली यहां पर लिख सकते हो WS इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3. ओके, दैट मींस जो टोटल एनर्जी थी आपकी WS, वो W1, W2 और W3 में क्या हो गई आपकी? डिवाइड हो गई. ओके, अब आपका है क्या एक्चुअल में टोटल एनर्जी आपकी? WS जो थी ये इस सोर्स से मिल रही थी आपको, जो कि तीनों रजिस्टर के अक्रॉस क्या हो गई आपकी? डिस्ट्रीब्यूट हो गई. ओके, सो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो आपका KVL है वो क्या है आपका? एनर्जी कंजर्वेशन लॉ है. ठीक है ना, जितनी एनर्जी सप्लाई से मिली थी उतनी ही क्या हो गई आपकी? डिस्ट्रीब्यूट हो गई. तो इट इज अ एनर्जी कंजर्वेशन लॉ. ठीक है, KVL. नाउ मैं KVL को और अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए अगर एक और सर्किट यहां पे ड्रॉ करूं, जो हम लोगों ने लास्ट सर्किट ड्रॉ किया था उसके हिसाब से अगर एक और सर्किट ड्रॉ करूं, अगर हम देखें लास्ट सर्किट में हम लोगों ने R1, R2 और R3 के अक्रॉस जो था वोल्टेजेस कंसीडर किए थे. अब अगर मैं यहां पर करंट फ्लो करा दूं,
वीएस से आई करंट फ्लो करा दूं, क्योंकि सोर्स से आपकी करंट तो निकलेगी ही प्लस साइन से, तो हमारे पास फिर दो ऑप्शन रह जाएंगे। रजिस्टर के अक्रॉस हम लोग ओम्स लॉ से करंट इनटू रजिस्टर भी लिख सकते हैं वोल्टेज के इक्वल, या हम लोग डायरेक्टली V1 भी लिख सकते हैं। ओके, तो हम लोग यहां पर अब क्या करते हैं, एक और सर्किट कंसीडर करते हैं। सर्किट आपका सेम रहेगा, बस यहां से आपकी करंट भी हम फ्लो करा देंगे R1, R2 एंड R3। नाउ अगर यहां से सोर्स से आपकी एक करंट निकले I, तो हमारे पास अब क्या ऑप्शन है कि हम लोग रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो करंट इनटू रजिस्टर भी ले सकते हैं। ओके, सपोज करो यहां पर V1, V2 और V3 भी आपका गिवन होता, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग V1, V2, V3 भी लिख सकते थे, या हम लोग IR1, IR2 और IR3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगेन अगर हम करंट के डायरेक्शन में मूव करें जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो वोल्टेज का पहला साइन क्या है आपका, VS का माइनस है पहला साइन। ओके, आपको सिर्फ एक चीज माइंड में रखनी है कि रजिस्टर के अक्रॉस जब भी करंट फ्लो होगी, या आप कह सकते हैं इंडक्टर और कैपेसिटर को भी आप कंसीडर कर सकते हैं, जब भी रजिस्टर, इंडक्टर या कैपेसिटर के अक्रॉस करंट फ्लो होगी, तो हमेशा जो आपका साइन है वो हमेशा आप प्लस रखेंगे यहां पर। मतलब फर्स्ट साइन जो होगा आपका हमेशा प्लस होगा एंड सेकेंड साइन आपका माइनस होगा। तो हम लोग हमेशा फर्स्ट साइन कंसिडर करते हैं, तो आपको साइन क्या रखना है, प्लस रखना है। तो कितना हो जाएगा, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 इज इक्वल टू 0। ओके, तो हम लोग को यहां से एक कंसेप्ट जो निकल कर आया है कि कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग केवीएल में हमेशा वोल्टेज के फॉर्म में लिखें, हम लोग करंट इनटू रजिस्टर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, जब भी हम वोल्टेज के फॉर्म में लिखेंगे तो हमें वोल्टेज का फर्स्ट साइन दिखना है, वो माइनस भी हो सकता है, वो प्लस भी हो सकता है। बट अगर हम लोग करंट इनटू रजिस्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो हमेशा प्लस साइन ही लेना है, क्योंकि कोई भी करंट जब भी किसी रजिस्टर से फ्लो होगी तो फर्स्ट साइन हमेशा आपका क्या होगा, प्लस ही होगा। इसको और क्लियर करने के लिए अगर मैं नेक्स्ट सर्किट कंसिडर करूं, यहां पर सर्किट अगेन आपका सेम रहेगा, बट एक और न्यू कंसेप्ट आपको देने जा रहा हूं मैं, R1, R2 एंड दिस इज R3। ओके, नाउ अगर मैं फिर से यहां पर वोल्टेजेस ले लूं प्लस माइनस V1, बट दिस टाइम माइनस प्लस V2 एंड प्लस माइनस V3। ओके, और यहां से मैं करंट मूव करा रहा हूं I। ओके, नाउ सपोज करो सबसे पहले मैं वोल्टेज के फॉर्म में लिखना चाहता हूं इसको, तो वोल्टेज के फॉर्म में आंसर क्या हो जाएगा, माइनस VS प्लस V1 माइनस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, हम लोगों ने क्लॉकवाइज मूव किया, तो पहला साइन माइनस था, यहां पर पहला साइन क्या था, प्लस, यहां पहला साइन क्या था, माइनस, देन अगेन फर्स्ट साइन क्या था आपका, प्लस, हम लोगों लिख लिया बड़े आराम से। ओके, नाउ अगर मैं आपको बोलूं अब करंट के फॉर्म में लिखो, दैट इज करंट इनटू रजिस्टर के फॉर्म में लिखो, तो आप क्या लिखोगे, माइनस VS। ओके, नाउ आफ्टर माइनस VS नेक्स्ट विल बी I इंटू R1। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आप क्या लिखेंगे, माइनस I इंटू R2 की IR2, क्योंकि यहां पर वोल्टेज का पहला साइन तो माइनस दिख रहा है आपको, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन मैंने आपको लास्ट फिगर में क्या बोला कि जब भी आप करंट के फॉर्म में लिखेंगे तो करंट इनटू रजिस्टर वोल्टेज आप जब लिखेंगे तो फर्स्ट साइन आपको हमेशा प्लस लेना है, क्योंकि करंट जब भी किसी रजिस्टर से फ्लो होती है तो फर्स्ट साइन हमेशा क्या होता है आपका, प्लस होता है। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, प्लस IR2 देन प्लस IR3 इज इक्वल टू 0। अब आप ये सोच रहे होंगे फिर यहां तो माइनस है, तो ये माइनस कैसे आएगा, ऊपर तो हमने माइनस लिखा था। ओके, तो मैं आपको क्लियर करता हूं। अब एक काम करिए, आप ना केवीएल छोड़ दीजिए और एक एक वोल्टेज को रिप्रेजेंट करिए। सपोज करो वी वांट टू रिप्रेजेंट V1, V1 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, V1 से करंट कौन सा फ्लो हो रहा है आपका, I। ठीक है, रजिस्टर क्या है, R1, तो I इंटू R1। नाउ सपोज करो V2 की वैल्यू, V2 से करंट क्या फ्लो हो रहा है, I। ठीक है, अब मैंने आपको क्या समझाया हुआ है कि जब भी किसी रजिस्टर से करंट फ्लो होता है पहला साइन क्या आना चाहिए, प्लस। तो अगर आप R1 का केस देखें तो R1 में पहला साइन प्लस आता, और जो आप वोल्टेज मेजर कर रहे हो उसका भी फर्स्ट साइन क्या है आपका, प्लस है। ओके,
अब R2 की अगर हम बात करें तो R2 में जब करंट फ्लो हुई तो पहला साइन आना चाहिए था प्लस, बट आप जो मेजर कर रहे हो माइनस। ओके, सो इसका मतलब क्या है, V2 क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो आई आर टू माइनस सामने, V3 अगेन जब आई आर थ्री से फ्लो होगी तो फर्स्ट साइन क्या आना चाहिए था प्लस, आप भी क्या मेजर कर रहे हो प्लस, तो आंसर क्या रहेगा आई आर थ्री। ओके, सो यहां पर अगर हम देखें वी वन वी टू और वी थ्री की वैल्यू अगर हम लोग इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करें तो वी वन पुट करेंगे तो क्या आएगा आई आर वन, वी टू पुट करेंगे तो ये माइनस और माइनस क्या आ जाएगा प्लस, तो प्लस आई आर टू, और वी थ्री पुट करेंगे तो क्या आएगा आई आर थ्री। ओके, तो ये जो दोनों इक्वेशन है आपके, एक्चुअल में दोनों क्या है आपके सेम है, ठीक है ना। तो ये जो कंसेप्ट है हमें स्टार्टिंग से बिल्ड करना है, क्योंकि आगे जाके जब हम डिफिकल्ट डिफिकल्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे या आप भी जब डिफिकल्ट न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करोगे तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं हो सकते, क्योंकि एक माइनस या प्लस साइन के कारण आपका पूरा आंसर चेंज हो जाएगा, आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि जब भी कोई करंट किसी रजिस्टर से फ्लो होगी तो फर्स्ट साइन हमेशा क्या होगा प्लस, अगर उसके अक्रॉस जो वोल्टेज दिया है उसमें फर्स्ट साइन माइनस है दैट मींस उस वोल्टेज की वैल्यू नेगेटिव है। ओके, तो जब आप केवीएल करंट इनटू रजिस्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आपको हमेशा पहला साइन प्लस लिखना है, लेकिन अगर आप केवीएल वोल्टेज के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो फर्स्ट साइन आपको वोल्टेज के फर्स्ट साइन के इक्वल ही लिखना है। ओके, ठीक। नाउ ये आपका बेसिक्स था केवीएल का, ठीक है। आपने केवीएल में देखा होगा सीरीज करेक्शन था जो लास्ट फिगर्स हमने देखे हैं, और आपका जो वोल्टेज था वो क्या हो रहा था सीरीज में डिवाइड हो रहा था, डिफरेंट डिफरेंट था वोल्टेजेस आपका हर एक रजिस्टर के अक्रॉस। तो इसी के करस्पॉन्डिंग हम एक रूल पढ़ते हैं दैट इज कॉल्ड वोल्टेज डिविजन रूल। ये क्या होता है हमारा वोल्टेज डिविजन रूल, अगर इसको हम ध्यान से समझें, लास्ट फिगर हम फिर से ड्रॉ कर रहे हैं, वी एस R1, R2 एंड R3, ओके। नाउ इसके अक्रॉस वोल्टेज सपोज करिए प्लस माइनस V1 है, यहां मैं फिर से माइनस प्लस V2 ले लेता हूं ताकि आपको माइनस प्लस में डिफरेंस समझ में आ जाए वोल्टेज डिविजन रूल में भी। ओके, नाउ क्या होता है वोल्टेज डिविजन रूल आपका, सपोज करिए मैं V1 लिखना चाहता हूं तो V1 क्या हो जाएगा आपका, आपको क्या करना है, जैसे सपोज करिए आपका ये R1 के अक्रॉस है V1, तो आपको ये वोल्टेज डिवाइड हो रहा है ना Vs आपका, Vs आपका V1 V2 और V3 में डिवाइड हो रहा है, तो Vs जो डिवाइड होने वाला है किसके अक्रॉस डिवाइड होने वाला है R1 के अक्रॉस, Vs इनटू R1 डिवाइड बाय टोटल रजिस्टर R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, नाउ V2 की अगर बात करें तो V2 आप कैसे चेक करोगे, V2 यहां पर माइनस प्लस है आपका। ओके, तो आप कैसे पता लगाओगे कि इस तरफ ही माइनस होना चाहिए था, इस तरफ प्लस होना चाहिए था तो हम माइनस लेंगे, या पहले प्लस होता है बाद में माइनस होता तो हम प्लस लेते, ये हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बहुत इजी तरीका है, आप क्या किया करिए कि जो सोर्स है उसके प्लस से आप हमेशा करंट निकाल दीजिए एक अपने आप से, ठीक है। अब वो जो करंट है रजिस्टर से अगर पास हो रही है और पहला साइन प्लस है तो आपको वैल्यू लिखनी है वोल्टेज की प्लस में, अगर वो रजिस्टर से पास हो रही है और पहला साइन अगर आपका माइनस है तो फिर आपको वैल्यू लिखनी है वोल्टेज की माइनस में। ओके, तो V2 आपका यहां से क्या हो जाएगा माइनस। रूल क्लियर है बिल्कुल, आपको अपने आप से Vs से I करंट निकाल देनी है Vs के प्लस टर्मिनल से। ओके, नाउ तो कितना हो जाएगा Vs इंटू आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, सेम V3 कितना हो जाएगा हमारा Vs इंटू आर थ्री R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, तो ये था आपका वोल्टेज डिविजन रूल। नो डाउट इस रूल को आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, अगर क्वेश्चन सॉल्व करते करते हैबिट में आ जाए तो बात अलग है, अदरवाइज आप ये सब चीजें नॉर्मल केवीएल से भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप लूप में एक बार करंट कैलकुलेट कर लें फिर आप उस करंट के फॉर्मूले से हर एक रजिस्टर के अक्रॉस करंट इंटू रजिस्टर करके वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बट हाँ ये बात सही है कि अगर आप एग्जाम में टाइम सेव करना चाहते हैं तो आप वोल्टेज डिविजन रूल का यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ अगर मैं इस वोल्टेज डिविजन रूल की बात करूं इन केस ऑफ इंडक्टर तो आपका बिल्कुल ही सेम होता है, वो कुछ भी आपका अलग नहीं होगा इन केस ऑफ इंडक्टर।
L1, L2 and L3, ठीक है, L1, L2 and L3, ठीक है। तो यहां पर आपका जो वोल्टेज डिवाइड होगा, सपोज करिए प्लस माइनस V1, प्लस माइनस V2 एंड प्लस माइनस V3, तो आपका V1 क्या हो जाएगा, Vs इंटू L1, L1 प्लस L2 प्लस L3, ठीक है। मतलब जिस इंडक्टर के अक्रॉस निकाल रहे हो उसकी इंडक्टेंस वैल्यू से मल्टीप्लाई करिए डिवाइड बाय टोटल इंडक्टेंस वैल्यू। प्लस माइनस का कंसेप्ट बिल्कुल सेम रहेगा, इसलिए जो फॉर्मुलेज आपने रजिस्टर के पढ़े हैं सेम फॉर्मुले आपके किसके होंगे, इंडक्टेंस के होंगे। ओके, हाँ ये बात सही है कि ये आपके रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, इनका मेन एनालिसिस हम लोग एसी एनालिसिस में करेंगे क्योंकि आपकी सप्लाई भी क्या होती है, एसी होती है। अभी उन चीजों में फोकस नहीं कर रहा हूं मैं, बट जो आपका डिवीजन रूल है वो आपको क्लियर रखना है कि जो रजिस्टर के लिए होगा वही किसके लिए होगा, आपका इंडक्टर के लिए, ठीक है। नाउ अगर हम कैपेसिटर की बात करते हैं तो कैपेसिटर में थोड़ा सा अलग हो जाएगा आपका C1, C2 एंड C3, ओके। नाउ इन केस ऑफ कैपेसिटर आपको याद होगा हम लोगों ने जब सीरीज एंड पैरेलल के रूल्स देखे थे कैपेसिटर के केस में, तो भी आपने ये चीज देखी थी कि वहां पर जो आपके फॉर्मुलेस थे बिल्कुल डिफरेंट थे जब आप रजिस्टर और इंडक्टर से कंपेयर करते हैं तो, ओके। तो अगर मैं यहां पर वोल्टेजेस ले लूं V1, V2 एंड V3, तो आप यहां पर देखेंगे कि जो आपका V1 है, ठीक है ना, वो क्या होगा आपका एक्चुअल में Vs इंटू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। मतलब जिसके अक्रॉस आप निकाल रहे हैं उससे आप 1 अपॉन C1 से मल्टीप्लाई करिए Vs को और डिवाइड बाय 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। अगर आपने सीरीज एंड पैरेलल की वीडियोस देखी है तो आपको याद होगा वहां पर मैंने इसका रीजन दिया था कि कैपेसिटर के केस में 1 अपॉन क्यों हो जाता है, क्योंकि कैपेसिटर का जो इंपेडेंस होता है वो क्या हो जाता है, ZC इज इक्वल टू 1 अपॉन j ओमेगा C, ओके। तो एक्चुअल में मैंने आपको वहां भी कहा था कि जो सारे कैलकुलेशन होते हैं वो इंपेडेंस के फॉर्म में होते हैं और लास्ट में j ओमेगा कैंसल आउट होके वो सी के फॉर्म में हमें दिखाई देने लगता है, ओके। तो अगर मैं यहां पर इंपेडेंस के फॉर्म में लिखता तो क्या लिखता, Vs इंटू 1 अपॉन j ओमेगा C1, Vs इंटू ZC। एक्चुअल में हम लिखते क्या, Vs इंटू ZC अपॉन ZC1 प्लस ZC2 प्लस ZC3। तो ZC की वैल्यू क्या होती, 1 अपॉन j ओमेगा C1, ZC1 1 अपॉन j ओमेगा C1 प्लस 1 अपॉन j ओमेगा C2 प्लस 1 अपॉन j ओमेगा C3। j ओमेगा आपका कैंसल आउट हो जाता और आपका आंसर बच जाता 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2 एंड 1 अपॉन C3, ओके। तो हमें ये चीजें क्लियर रखनी है कि जो सारे फॉर्मुलेज हैं वो इंपेडेंस के फॉर्म में डिराइव होते हैं। जैसे सपोज करो आप इंडक्टर का एग्जांपल लो, इंडक्टर का इंपेडेंस क्या होता है आपका, j ओमेगा L। तो यहां पर क्या हो जाएगा, j ओमेगा L1 j ओमेगा L2 j ओमेगा L3। तो j ओमेगा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा क्या, L1, और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, L1 L2 एंड L3, ओके। सो हमको ये चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि ये फॉर्मुलेस आए कैसे, ठीक है ना। हमें दिमाग में रखने हैं, हमें याद भी रखने होंगे इन फॉर्मुलों को, बट हमें क्लियरेंस होनी चाहिए कि ये फॉर्मुले हमारे इस तरह से डिराइव हुए हैं, ताकि अगर हम कभी एग्जाम में भूल भी जाए तो जस्ट हम 5 to 10 सेकंड में इन्हें वापस डिराइव कर सके, ओके। तो ये आपका है वोल्टेज डिविजन रूल एंड साथ साथ में हमने क्या कंसेप्ट पढ़ा, KVL का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका। जैसा मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी बोला था कि जब आप एनालॉग सर्किट पढ़ेंगे तो आपका जब आप फैट के इक्वेशन सॉल्व करेंगे या आप ट्रांजिस्टर के इक्वेशन सॉल्व करेंगे या आप डायोड के इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो वहां पर आपको KVL बहुत ज्यादा यूज करना पड़ेगा, आपको KVL का कंसेप्ट आना चाहिए, ओके। तो ये आपकी KVL की थ्योरी है, इसके न्यूमेरिकल्स भी हम करेंगे आने वाली वीडियोस में, ओके। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम KCL पढ़ेंगे, उसके बाद हम मैश एंड नोडल का एनालिसिस करेंगे, आफ्टर देन वी विल सॉल्व सम न्यूमेरिकल, ओके। सो नेक्स्ट जो हमारा किरचॉफ्स लॉ है वो है आपका KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ। तो किरचॉफ्स करंट लॉ आपका क्या होता है, किरचॉफ्स जो वोल्टेज लॉ था वो वोल्टेज का अलजेब्रिक सम था, किरचॉफ्स करंट लॉ जो है वो करंट का सम है, ओके। तो किरचॉफ्स करंट लॉ कहता क्या है आपका, अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट एनी नोड इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। अलजेब्रिक सम ऑफ करंट्स एट एनी नोड क्या होता है आपका, जीरो होता है,
ठीक है ना, किसी नोड पे करंट जो इनकमिंग है उसको आप सपोज करो पॉजिटिव ले रहे हो, आउटगोइंग को आप नेगेटिव ले रहे हो, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका, समेशन जीरो हो जाएगा। आप इस तरह से भी बोल सकते हो कि टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट एट एनी नोड, ठीक है। बट क्या ये स्टेटमेंट कंप्लीट है? नहीं। इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट एनी नोड एंड एट एनी टाइम इंस्टेंट, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, इज ऑलवेज जीरो। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपको और क्लियर होगा। सपोज करिए ये करंट आपकी I1 है, दिस इज योर I2, दिस इज योर I3, ओके, एंड आपके तीनों इनकमिंग ले लिए, ओके I1 आपका आउटगोइंग है एंड I2 एंड I3 क्या है आपकी इनकमिंग, सो हम I4 को भी यहां पर आउटगोइंग कंसीडर लेकर लेते हैं, ओके। सो अगर अब हम यहां पर KCL लगाते हैं इस नोड पर, तो मैंने आपको क्या कहा, सपोज करिए आप इनकमिंग करंट को क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव, तो कितना हो जाएगा प्लस I2 प्लस I3, आउटगोइंग करंट को आप क्या ले रहे हैं, नेगेटिव, तो I1 आउटगोइंग है और I4 भी क्या है आपका आउटगोइंग, तो माइनस I1 माइनस I4 इज इक्वल टू जीरो, ओके। एक चीज और आपको दिमाग में रखनी है कि कोई जरूरी नहीं है कि आप इनकमिंग करंट को पॉजिटिव और आउटगोइंग करंट को नेगेटिव लें, आप इसका रिवर्स भी कर सकते हैं क्योंकि आपको इक्वल टू जीरो करना है, तो आंसर हमेशा सेम रहेगा आपका, ओके। नाउ इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो I2 प्लस I3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका I1 प्लस I4, तो हम क्या कह सकते हैं, टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट एट एनी नोड, ओके। अब मैंने एक और चीज मेंशन की थी, एट एनी टाइम इंस्टेंट, इसका क्या मीनिंग है हम देख लेते हैं यहां पर। सपोज करिए I को हम क्या लिख सकते हैं, dq by dt, तो ये क्या हो जाएगा dq2 by dt plus dq3 by dt dq1 by dt and dq4 by dt, ओके। सो आप देख सकते हैं यहां मैंने चार्जेस तो q1 q2 q3 q4 के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए हैं, लेकिन t को मैंने सिर्फ t के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, तो t आपका सम में क्या रहेगा आपका सेम, दैट्स व्हाई एट एनी टाइम इंस्टेंट, ओके। नाउ अगर मैं इसको सॉल्व कर लूं तो ये कितना आ जाएगा आपका q2 प्लस q3 इज इक्वल टू q1 प्लस q4, ओके। सो जो आपका टोटल इनकमिंग चार्ज था वो किसके इक्वल है, टोटल आउटगोइंग चार्ज के अक्रॉस एनी नोड। सो आप क्या कह सकते हैं यहां पर, आप कह सकते हैं कि जो KCL है आपका वो है आपका चार्ज कंजर्वेशन लॉ, चार्ज कंजर्वेशन लॉ, ओके। KVL क्या था आपका, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, KCL क्या है आपका, चार्ज कंजर्वेशन लॉ, ओके। तो ये हमारा ऑल अबाउट KCL होता है, किसी नोड पे टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल हमेशा क्या होगा, आउटगोइंग करंट होगा, ठीक है। तो इसी KCL पे चूंकि आपकी करंट डिफरेंट डिफरेंट है, तो हम लोग पढ़ते हैं करंट डिविजन रूल, ओके। सो क्या होता है आपका ये करंट डिविजन रूल, अगर हम लोग यहां ध्यान से देखें, जब हमने वोल्टेज डिविजन रूल पढ़ा था तो हमारा लूप कैसा बना हुआ था आपका, वोल्टेजेस आपके सीरीज में क्या थे, डिफरेंट डिफरेंट थे, हमें हर एक रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज कैलकुलेट करना था। करंट डिविजन रूल में क्या होगा आपका, सपोज करिए कोई करंट यहां से निकल रही है आई, ओके, और आपका सर्किट किस में होगा, पैरेलल में होगा, क्योंकि पैरेलल में ही आपकी क्या होती है, करंट डिवाइड होती है, ये हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं, ओके। तो यहां पर सपोज करिए R1, दिस इज R2, और करंट जो I है आपकी, सपोज करिए किस पे डिवाइड हो गई, I1 एंड I2 में, ओके। नाउ करंट डिविजन रूल आपका क्या होता है, ये जो I1 है उसका फॉर्मूला क्या होता है, हम किस तरह से याद रखते हैं यूनिवर्सिटीज वगैरह में, फिर मैं आपको यही बताऊंगा कि कंसेप्ट क्या होता है इसके पीछे का। हम ऐसे याद रखते हैं कि हमें I1 कैलकुलेट करना है, तो जो आपकी I डिवाइड हो रही है उसको अपोजिट रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज I इंटू R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, ओके। अगर मुझे I2 कैलकुलेट करनी है तो अगेन मैं अपोजिट रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करूंगा, I इंटू R1, R1 प्लस R2, ओके। तो यहां पर अगर मैं देखूं ध्यान से, तो यहां पर आपका अपोजिट रेजिस्टेंस से ही क्यों मल्टीप्लाई किया गया, ये कंसेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए। ऑल दो हम चलो हम याद भी कर रहे हैं, लेकिन हमें ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिए हमने एक रिलेशन पढ़ा था कि
रजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ रजिस्टर विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करेंट. इसका मतलब क्या है, रजिस्टेंस की वैल्यू जितना ज्यादा होगी करंट क्या होगा उतना आपका लेस होगा. ओके तो अगर R1 जितना ज्यादा होगा I1 क्या होगा आपका उतना लेस होगा, मतलब यहां पर अपोजिट रिलेशनशिप है तो इसलिए हम अपोजिट रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं. ओके या फिर आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आ सकता है, वो क्या, सपोज करिए यहां पर अगर आपके तीन करंट एलिमेंट होते जो डिवाइड हो रहे हैं I1, I2 एंड I3 अक्रॉस R1, R2 एंड R3. ओके ये मैंने सर्किट ड्रॉ कर लिया, यहां पर R1, R2 एंड R3, दिस इज I, I इज डिवाइडेड इनटू I1, I2 एंड I3. ओके नाउ लास्ट टाइम हमने क्या किया था, हमने अपोजिट रजिस्टर से मल्टीप्लाई कर लिया था. सपोज करिए अगर हमें I1 निकालना है तो हमने क्या किया था, I इंटू आर टू, बट यहां पर अपोजिट तो R2 भी है और क्या है आपका R3 भी है. तो हम एक जनरलाइज फॉर्मूला डेवलप करते हैं. मैंने क्या कहा लास्ट फिगर में कि आप जो करंट होती है वो रजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है ना. रजिस्टेंस की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी करंट की वैल्यू उतनी कम होगी. तो रिलेशन कैसे होता है, वोल्टेज डिविजन में आप क्या करते थे कि जिस रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है टोटल वोल्टेज को उससे मल्टीप्लाई करते थे. यहां पर टोटल करंट को उससे क्या करना है आपको डिवाइड करना है. तो I इंटू वन अपॉन आर वन, वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री. ओके सपोज करो अगर यहां पर आपका आर थ्री नहीं होता, प्रेजेंट नहीं होता. ओके लास्ट फिगर जहां सिर्फ आर वन और आर टू प्रेजेंट थे. ओके तो यहां पर कितना हो जाता, I इंटू वन बाई आर वन, वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू, दिस इज योर I1. ओके नाउ इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं यहां पर तो कितना हो जाएगा, I वन बाई आर वन, नीचे अगर मैं यहां पर LCM ले लूं तो क्या हो जाएगा, R1 वन प्लस आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू. ओके आर वन इंटू आर टू, तो यहां पर आपका R1 और R1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. ओके दिस R2 न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, I इंटू आर टू अपॉन R1 वन प्लस आर टू. ओके सो जो आपका आंसर है वो वही आया जो हमारा लास्ट केस में हमने लिखा था. I1 कितना था, I इंटू आर टू अपॉन R1 वन प्लस आर टू, यहां पर भी सेम आ रहा है आपका. ओके तो यहां पर जो ये फॉर्मूला है आपका, ये आपका जनरलाइज फॉर्मूला होगा. मतलब अगर सिर्फ दो रजिस्टर है तब तो आप डायरेक्टली वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि अपोजिट रजिस्टेंस से आपने मल्टीप्लाई कर लिया. लेकिन जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो आपका यही है. जब आपके 10 रजिस्टर भी अगर होते हैं तो आपको क्लियर है आपको क्या करना है, जिसके अक्रॉस निकालना है उससे आपको क्या करना है, वन अपॉन आर वन से मल्टीप्लाई कर देना है, वन अपॉन रजिस्टेंस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड बाय क्या करना है, वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री एंड सो ऑन. ओके तो ये आपका क्या होता है, करंट डिवीजन रूल इन केस ऑफ रजिस्टर. नाउ अगर मैं इंडक्टर की बात करूं, इन केस ऑफ इंडक्टर तो आपका जो करंट डिवीजन रूल होगा वो एब्सोल्युटली सेम होगा जैसा आपने रजिस्टर के लिए पढ़ा है. जैसा वोल्टेज डिवीजन रूल में भी आपका क्या था, बिल्कुल सेम था. सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन भी आपका क्या था, बिल्कुल सेम था. ओके सो ये आपका क्या हो जाएगा, एल वन एल टू एंड एल थ्री, ये करंट जो I है वो किस पे डिवाइड होगी आपकी, I1, I2 एंड I3. ओके तो अगर मैं एक फॉर्मूला लिखूं I1 का तो I1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I इंटू वन अपॉन L1, वन अपॉन L1 प्लस वन अपॉन L2 प्लस वन अपॉन L3. तो बिल्कुल सेम है जैसा आपका रजिस्टर के केस पे फॉर्मूला था, ठीक है ना. अगर आप यहां पर I2 लिखना चाहेंगे तो I इंटू वन अपॉन L2 कर देंगे, I3 के लिए I इंटू वन अपॉन L3 कर देंगे. डिनोमिनेटर सभी केसेस में आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा. ओके सो रजिस्टर के केस में और इंडक्टर के केस में दोनों के दोनों फॉर्मूलेज आपके बिल्कुल सेम होंगे. ओके नाउ अगर मैं बात करूं कैपेसिटर के केस में, इन केस ऑफ कैपेसिटर क्या है आपका करंट डिविजन रूल, ठीक है. तो अगेन हमने एक करंट सोर्स बना लिया आई, तीन कैपेसिटर ले लिए हमने पैरेलल में, C1, C2 एंड C3. ओके
और उनमें करंट कौन कौन सी फ्लो हो रही है आपकी, आई वन आई टू एंड आई थ्री, या आपकी आई करंट है जो आई वन आई टू एंड आई थ्री में क्या हो जाएगी आपकी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। नाउ अब अगर मैं यहां पर करंट डिविजन रूल लिखना चाहता हूं तो आपको यह क्लियर रखना पड़ेगा, जैसा मैंने आपको बार बार बोला हुआ है कि हमेशा आप इंपेडेंस का फॉर्मूला कंसीडर करो। जैसे सपोज करो मैं यहां पर आई इंटू वन अपॉन एल वन लिख रहा हूं, एक्चुअल में मैं आई इंटू वन अपॉन एल वन नहीं लिख रहा हूं, मैं यहां पर लिख रहा हूं आई इंटू वन अपॉन जेड एल वन। यहां पर क्या लिख रहा हूं, वन अपॉन जेड एल टू, वन अपॉन जेड एल वन एंड वन अपॉन जेड एल थ्री, ठीक है ना। तो अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो जब ये जेड एल वन को आप रिप्रेजेंट करोगे तो क्या रिप्रेजेंट करोगे, जे ओमेगा एल वन, यहां नीचे भी जे ओमेगा एल वन, जे ओमेगा एल टू एंड जे ओमेगा एल थ्री, अगेन जे ओमेगा क्या होगा आपका कैंसल आउट और यही फॉर्मूला आपको वापस से मिल जाएगा। तो कैपेसिटर के केस में भी आपको यही सेम चीज करनी है, तो क्या लिखेंगे आप आई वन को, आई इंटू वन अपॉन जेड सी वन, जेड सी वन क्या होता है, वन अपॉन जे ओमेगा सी वन, ओके। तो वन अपॉन जेड सी वन क्या हो जाएगा आपका, जे ओमेगा सी वन हो जाएगा, ठीक है ना। आप लिख लीजिए यहां पर जे ओमेगा सी वन, फिर नीचे क्या लिखेंगे, वन अपॉन जेड सी वन अगेन, तो अगेन जे ओमेगा सी वन प्लस जे ओमेगा सी टू एंड प्लस क्या लिखेंगे आप, जे ओमेगा सी थ्री, ओके। तो I1 का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, I इंटू सी वन, सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री, ओके। तो अगर आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल वोल्टेज डिविजन रूल जैसा दिखाई दे रहा है जो आपने रजिस्टर और इंडक्टर के केस में पढ़ा था। मतलब जिस कैपेसिटर के अक्रॉस आपको करंट निकालनी है उस कैपेसिटर की वैल्यू से आप क्या कर रहे हैं, यहां पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन ये आया कहां से, आपको क्लियर होना चाहिए कि आप इसको इंपेडेंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे तब आपको ये फॉर्मूला मिलेगा, ओके। तो वोल्टेज डिविजन रूल में आपको क्या ध्यान रखना है, चाहे वो रजिस्टर हो, चाहे वो इंडक्टर हो, चाहे वो कैपेसिटर हो, जिसके अक्रॉस आप वोल्टेज कैलकुलेट कर रहे हो तो आपको टोटल वोल्टेज को न्यूमरेटर में उसके इंपेडेंस से मल्टीप्लाई करना है और नीचे तीनों इंपेडेंस को एड करके लिख देना है। अगर आप करंट डिविजन रूल की बात कर रहे हो तो आपको जिस भी एलिमेंट के अक्रॉस करंट निकालना है तो क्या लिखना है, आपको टोटल करंट को वन अपॉन इंपेडेंस से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड बाय वन अपॉन इंपेडेंसेस को आपको ऐड करते जाना है। और हमको पता है वन अपॉन इंपेडेंस को हम क्या बोलते हैं, एडमिटेंस बोलते हैं। तो आप एडमिटेंस भी कह सकते हो कि आपको एडमिटेंस से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड बाय टोटल एडमिटेंस कर देना है आपको, ठीक है। तो इस तरह से हमें याद रखने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए अगर हम डायरेक्टली रटने की कोशिश करेंगे तो हम इतने सारे कंसेप्ट हैं हमारे सिलेबस में, क्योंकि हमें 10 टू 15 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं किसी भी स्टैंडर्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो हम अगर सबको ब्लाइंडली रटेंगे तो हम कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे अपना टारगेट, हम सब चीजें भूल जाएंगे एग्जाम में। लेकिन हम अगर चीजों को कंसेप्ट वाइज याद रखने की कोशिश करेंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, तब हमें चीजें ऑटोमेटिक दिमाग में याद हो जाएंगी, ठीक है ना। तो ये आपका कंप्लीट होता है यहां पर केवीएल एंड केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। जैसा मैं पहले कहा था फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है गेट और आईएएस के सिलेबस में, क्योंकि ये अदर सब्जेक्ट्स में बहुत ज्यादा यूजफुल है, ओके। थैंक यू।